हेलो दोस्तों, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस फाइटर क्लासेज में। आज हम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किस मेवाड़ के शासक ने चित्तौड़गढ़ किले की मरम्मत करवाई थी? तो यहाँ पे कौन सा मेवाड़ का शासक था जिसने चित्तौड़गढ़ के किले की मरम्मत करवाई? तो देखिए साथियों, महाराणा प्रताप के निधन के बाद उत्तराधिकारी होता है अमर सिंह। ये हम सभी जानते हैं कि महाराणा प्रताप के निधन के बाद मेवाड़ का जो उत्तराधिकारी है वो कौन होता है? अमर सिंह। और अमर सिंह जो है वो काफ़ी समय तक तो संघर्ष कर लेते हैं मुगलों से, लेकिन आगे चल करके स्थितियाँ जो है वो और ज़्यादा बदतर हो जाती हैं। खास करके जो शाहजहाँ था, जिसे खुर्रम कहा जाता है, वो यहाँ के लोगों को परेशान करना शुरू कर देता है। लेकिन वो कहते हैं ना, समय समय की बात है। तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, भीला लूटी गोपियाँ, वहीं अर्जुन वहीं बाण। समय कुछ ऐसा ही हुआ कि करण सिंह और शाहजहाँ दोनों में दोस्ती हो जाती है। कहते हैं कि 5 फरवरी 1615 का दिन था। कौन सा दिन था साथियों? 5 फरवरी 1615 का दिन था। शाहजहाँ और करण सिंह दोनों में संधि हो जाती है, और संधि की जो शर्तें हैं वो शर्तें ये रखी जाती हैं कि चित्तौड़गढ़ के किले की मरम्मत नहीं होगी। हम आपको ये किला तो दे देंगे, मुगलों ने क्या कहा कि चित्तौड़गढ़ का किला तो आपको दे देंगे, लेकिन उसकी मरम्मत नहीं होगी। दूसरी शर्त जो थी साथियों, वो क्या थी? शाही सेना में महाराणा 1000 सवार देगा। और तीसरी शर्त की हम बात करें तो महाराणा कभी बादशाह के दरबार में नहीं आए, लेकिन उसका बेटा जो है वो बादशाह के दरबार में जरूर आए। और इस शर्त को महाराणा करण सिंह जो है वो क्या होता है दोस्तों, मान लेता है। तो इस प्रकार करण सिंह किले का कोई भी जीर्णोद्धार या उसकी मरम्मत नहीं करवाता है। संधि की शर्तों के अनुसार करण सिंह ने चित्तौड़गढ़ के किले की कोई भी मरम्मत नहीं करवाई। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा साथियों? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा महाराणा जगत सिंह। तो यहाँ पे हम बात करें तो महाराणा जगत सिंह से लेकर के राज सिंह तक के समय तक यहाँ पे चित्तौड़गढ़ के किले की मरम्मत की जाती है। यहाँ पे महाराणा जगत सिंह के बाद आने वाले जो महाराणा हैं वही क्या करते हैं, चित्तौड़गढ़ किले का जीर्णोद्धार का जो कार्य है वो महाराणा जगत सिंह से लेकर के कहाँ तक चलेगा? राज सिंह तक चलेगा। तो चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही शानदार प्रश्न आपको यहाँ पे पूछा गया है। कोकिल देव निम्न में से किस वंश से संबंधित है? कौन से कोकिल देव का जो संबंध है वो किस वंश से है, ये आपको पूछा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों होगा कछवाहा शासक। कोकिल देव जो है वो किस वंश से संबंधित है? जयपुर के कछवा शासक से। तो यहाँ पे हम बात करें तो दोस्तों, दुल्हा राय किसकी बात कर रहे हैं हम? दुल्हा राय जो कि कछवा वंश का संस्थापक माना जाता है। दुल्हा राय को कछवा वंश का संस्थापक कहते हैं, जिन्होंने 1137 में दोसा, 1137 की बात है, दोसा के जो बड़ गुजर हैं उनको हरा करके दोसा को अपनी राजधानी बनाया। बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे है, आप इसको नोट कर सकते हो। 1137 ईस्वी में दुल्हा राय जो था उन्होंने बड़ गुजरों को हरा करके दोसा को अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद कहते हैं कि दुल्हा राय ने जमुआ रामगढ़ के मीणाओं को पराजित करके जमुआ रामगढ़ को दूसरी राजधानी बनाया। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, दोसा क्या होती है? कछवा शासकों की प्रथम राजधानी होती है। और इस राजधानी को किसने बनाया? दुल्हा राय ने बनाया 1137 ईस्वी में दोसा के बड़ गुजरों को हरा करके। उसके बाद जमुआ रामगढ़ के मीणाओं को हरा करके दूसरी राजधानी बनाता है दुल्हा राय जमुआ रामगढ़ को। इसके अलावा यदि हम बात करें तो इसके बाद आता है कोकिल देव। इसके बाद आता है साथियों कोकिल देव। कोकिल देव आमेर पर आक्रमण करके आमेर के मीणाओं को परास्त करता है और लगभग 1207 ईस्वी में आमेर को क्या बनाता है? अपनी राजधानी बनाता है। तो आमेर जो है वो जयपुर के कछवा शासकों की कौन सी राजधानी थी साथियों? तीसरी राजधानी थी। और हम बात करें आगे तो यहाँ पे 1207 ईस्वी से लेकर के 1727 ईस्वी तक राजधानी रहती है आमेर। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक लंबे समय तक जो राजधानी रहती है वो कौन सी होती है साथियों? आमेर रहती है। कौन रहती है? आमेर रहती है। और इसको राजधानी किसने बनाया? आमेर को अपनी राजधानी किसने बनाया? कोकिल देव ने। 1727 में जयपुर की स्थापना की जाती है सवाई जयसिंह के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? सवाई जयसिंह के द्वारा। और 1727 से लेकर के अब तक की जो राजधानी है वो कौन सी रहती है साथियों? जयपुर रहती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर,
पोती, गजब का प्रश्न आपको यहाँ पे पूछा गया है। स्वामी गोपालदास जी ने 1907 में हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की थी? क्या क्या पूछा गया है साथियों आपको? स्वामी गोपालदास के द्वारा 1907 में हितकारिणी सभा की स्थापना जो है वो कहाँ की गई? ऑप्शन आपके सामने है चूरू, अजमेर, टोंक और बांसवाड़ा। तो यहाँ पे हम बात करें तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? चूरू होगा। दोस्तों एक तो था श्री राम मास्टर, एक तो कौन था? श्री राम मास्टर। इसके अलावा दूसरा था कन्हैया लाल ढूंढ। इसके अलावा कौन था साथियों? कन्हैया लाल ढूंढ, जो कि गोपालदास के क्या थे? सहयोगी थे। इन तीनों ने मिलकर के इस सभा का गठन किया था और वो सभा कौन सी थी आपकी? हितकारिणी सभा या फिर सर्वहितकारिणी सभा। वैसे देखा जाए तो इसे चूरू की कांग्रेस भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चूरू की कांग्रेस कहते थे सर्वहितकारिणी सभा को। इसका जो मुख्य कार्य था वो था सामाजिक कार्य करना, लोगों के बीच शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। इस सभा ने दो स्कूलें भी चलाई थी और वो स्कूलें भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। एक है साथियों कबीर पाठशाला। कौन सी स्कूल चलाई थी? कबीर पाठशाला, जिसका मुख्य कार्य था हरिजनों को शिक्षा देने के लिए चलाई गई थी। किसके लिए चलाई गई थी साथियों? हरिजनों को शिक्षा देने के लिए कबीर पाठशाला की स्थापना की गई थी सर्वहितकारिणी सभा के द्वारा। इसके अलावा यदि हम बात करें दूसरी पाठशाला की, तो दूसरी पाठशाला थी साथियों पुत्री पाठशाला। कौन सी थी? पुत्री पाठशाला। और इसका जो स्थापना है पाठशाला की, पुत्री पाठशाला की, इसकी स्थापना जो बालिकाएं हैं उनको उनकी शिक्षा पर ध्यान देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और ये किसने की थी? सर्वहितकारिणी सभा के द्वारा। चलिए साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही गजब का प्रश्न आपको यहाँ पे दिया गया है। खनन मतलब यहाँ पे आपको जो खनिज है उनसे उनको लेकर के यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। कपूरडी खनन क्षेत्र, कपूरडी खनन क्षेत्र राजस्थान में निम्न राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिलों में स्थित है, ये आपको पूछा गया। तो देखिए साथियों कपूरडी जालीपा, कपूरडी और जालीपा ये कहाँ पे हैं साथियों? ये हैं आपके बाड़मेर में। कहाँ पे हैं? बाड़मेर में। किसके लिए प्रसिद्ध हैं? लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए प्रसिद्ध हैं? लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध हैं कपूरडी और जालीपा। दोस्तों इसके अलावा यदि हम बात करें राजस्थान में लिग्नाइट का जो उत्पादन है वो इसके अलावा कहाँ पे होता है, तो यदि हम बात करें आगे तो बीकानेर जो है, बीकानेर के पलाना के अलावा बरसिंहसर, यहाँ पे भी क्या होता है? लिग्नाइट का उत्पादन होता है। यदि हम और बात करें तो नागौर में जो मातासुख है, मातासुख और कसनाऊ, यहाँ पे भी लिग्नाइट का क्या होता है? उत्पादन होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा साथियों? कपूरडी जालीपा खनन क्षेत्र जो लिग्नाइट के लिए क्या है जाना जाता है, कहाँ पे स्थित है? बाड़मेर में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, एक और शानदार प्रश्न यहाँ पे देखिए। जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की जो विधि है वो क्या कहलाती है, ये आपको पूछा गया है। मूल रूप से जो हम पालीवाल ब्राह्मणों की बात करें तो मूल रूप से पालीवाल जो ब्राह्मण है वो पाली के ब्राह्मण होते थे, लेकिन कहते हैं कि बहुत समय पहले, लगभग 300 से 400 साल पहले की बात है, ये पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर इलाके में आकर के बस गए और वहाँ पर अनेक गांवों की स्थापना की, जिसमें से आप जानते हो कुलदरा गांव तो आपको याद ही होगा, जो आज भी वीरान पड़ा है। इसकी स्थापना पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा ही की गई थी और यहाँ पे जब उन्हें पानी की आवश्यकता पड़ती थी तो ये एक प्रकार की परंपरागत जल संरक्षण विधि का उपयोग करते थे। किसका उपयोग करते थे? परंपरागत जल संरक्षण विधि का उपयोग करते थे, जिसको खड़ीन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? खड़ीन कहा जाता था। तो पालीवाल ब्राह्मणों की जो परंपरागत जल संरक्षण विधि है वो क्या कहलाती है साथियों? खड़ीन कहलाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपको यहाँ पे पूछा गया है। राजस्थान में निम्न में से कौन सा सिंचाई स्रोत कुल सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान रखता है? ऑप्शन आपके सामने है नहरें, तालाब, कुएं, नलकूप और इनमें से कोई नहीं। साथियों देखिए कुएं नलकूप दोनों की यदि हम बात करें तो कितना प्रतिशत एरिया जो है वो ये सिंचित करते हैं? 72%। या नोट कर सकते हैं यहाँ से, कुएं नलकूप दोनों की हम बात करें तो 72% जो क्षेत्र है उसमें योगदान रखता है कुएं और नलकूप। इसके अलावा यदि हम अलग अलग की बात करें तो कुएं हम देखें तो कुएं जो हैं वो कितने प्रतिशत सिंचित क्षेत्र रखते हैं? 25%। और नलकूप की हम बात करें तो नलकूप कितना परसेंट रखेंगे? 47%। यहाँ पे हम बात करें नहरों की तो नहरों के द्वारा सिंचाई जो है वो कितने प्रतिशत भाग में की जाती है? कितने प्रतिशत भाग में होती है? 24.9%।
कितना है साथियों, 24.9%। तो यहाँ पे देखा जाए तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है साथियों वो क्या होगा, कुएं और नलकूप। दूसरे नंबर पे जो है वो कौन आएगा साथियों, नहरें। नहरों के द्वारा कितने प्रतिशत भूभाग पे सिंचाई की जाती है, 24.9%। कुल सिंचित क्षेत्र में जो नहरें हैं उनका योगदान कितना है, 24.9% है। कुओं का हम देखें तो कुओं का 25% और नलकूप का हम देखें तो नलकूप का कितना होगा साथियों, 47%। और यदि हम दोनों की बात करें, कुएं और नलकूप, तो दोनों का कितना है साथियों, 72%। ये भी आप यहाँ पे याद रखें। तो कुओं या यदि हम नहरों की बात करें तो नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किधर होती है, गंगानगर हनुमानगढ़ में। और तालाबों की हम बात करें तो तालाबों के द्वारा सबसे कम सिंचाई होती है और सर्वाधिक सिंचाई जो है तालाबों के द्वारा वो कहाँ पर होती है साथियों, भीलवाड़ा में की जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपको यहाँ पे पूछा गया है। किस राजपूत शासक को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी, तो यहाँ पे राम सिंह, भगवंत दास, जसवंत सिंह, मान सिंह। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है वो साथियों क्या होगा, भगवंत दास को। अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी, किसको, भगवंत दास को दी थी। और ये राजस्थान का पहला मनसबदार था, ये भी आप याद रखें, क्या था, पहला जो मनसबदारी प्रथा है अकबर ने स्टार्ट की थी, राजस्थान का पहला जो मनसबदार है वो कौन है, भगवंत दास है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा संगठन केसरी सिंह बाराहट ने स्थापित किया था। दोस्तों बाराहट का जो जन्म है, केसरी सिंह बाराहट का जो जन्म है वो शाहपुरा भीलवाड़ा में होता है, लेकिन इन्होंने अपनी जो कर्म भूमि है वो किसको बनाया था साथियों, कोटा को बनाया था। ये आप अच्छे से याद रखें, केसरी सिंह बाराहट का जन्म कहाँ होता है, शाहपुरा भीलवाड़ा में होता है, लेकिन इन्होंने अपनी जो कर्म भूमि है वो किसको बनाया, कोटा को बनाया। कोटा में 1910 ईस्वी में, कब की बात है साथियों, 1910 ईस्वी में वीर भारत सभा की स्थापना की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, केसरी सिंह बाराहट और इसके सहयोगी यहाँ पे कौन होते हैं, गोपाल सिंह खरवा, दोनों के द्वारा 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की जाती है। जबकि एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पे, वीर भारत समाज, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो, वीर भारत समाज की जो स्थापना है वो कौन करता है साथियों, विजय सिंह पथिक के द्वारा की जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना, बहुत ही गजब का प्रश्न आपको यहाँ पे दिया गया है। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 ईस्वी में किसके द्वारा की गई, तो दोस्तों डरने की बिल्कुल कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, मारवाड़ का एक ही शेर है और वो कौन है, जय नारायण व्यास। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, जय नारायण व्यास के द्वारा की जाती है। चलिए साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपको यहाँ पे पूछा गया है। कांग्रेस के नमक सत्याग्रह 1930 के दौरान निम्न में से किसे 6 महीने का कारावास भुगतना पड़ा था, तो ऑप्शन आपके सामने है, नारायणी देवी, अंजना देवी चौधरी, जानकी देवी बजाज और रतन शास्त्री। दोस्तों यहाँ पे यदि आपको इस क्वेश्चन में ऑप्शन में रमा देवी लिखा होता, आप इसको याद रखना, 6 महीने का जो कारावास था वो किसको हुआ था साथियों, रमा देवी पांडे को हुआ था। तो इस ऑप्शन में यदि आपको यहाँ पे रमा देवी मिलता तो उस इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता साथियों, रमा देवी होता। अंजना देवी चौधरी जो है वो सभी ने अवज्ञा आंदोलन में भी जेल गई थी और भारत छोड़ो आंदोलन में भी क्या गई थी, जेल गई थी। यहाँ यदि रमा देवी पांडे होता तो फिर पहले हम किसको सही करते, इसी ने 6 महीने का कारावास भुगता था सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह आंदोलन के समय। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपको यहाँ पे पूछा गया है। दोस्तों क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको, निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता या फिर कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको यहाँ पे पूछा गया, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है लोक देवता और उनके मुख्य स्थल को लेकर के। तो देखिए हम यहाँ पे बात करें, गोगाजी, गोगामेड़ी, हनुमानगढ़ बिल्कुल सही है, मल्लीनाथ जी पिचियाग, बाबूजी कोलमंड, फलोदी जोधपुर बिल्कुल सही है, तेजाजी परबतसर नागौर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा साथियों, मल्लीनाथ जी। दोस्तों मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा बाड़मेर जो कि लूणी नदी के किनारे है, यहाँ पर इनका क्या होता है, जन्म होता है लगभग 1358 ईस्वी के आसपास।
कब होता है? 1358 ईस्वी के आसपास। दोस्तों कहते हैं कि लोकमानस में इनको रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। तिलवाड़ा बाड़मेर में ही इन्हीं के नाम पे राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला भरता है, लूनी नदी के किनारे। कहाँ पे? तिलवाड़ा बाड़मेर में। कौन सा मेला लगता है साथियों? पशु मेला भरता है। जिसने यहाँ पे हम और देखे थे इनके बारे में, तो इन्होंने राव चुंडा की मंडोर और नागौर विजय में भी मदद की थी। और वो कौन थे आपके साथियों? मल्लीनाथ जी। कौन थे? मल्लीनाथ जी ने राव चुंडा की मदद की थी। किसमें? मंडोर और नागौर विजय में इनकी मदद की थी। यदि इसके अलावा और हम बात करें तो मालवा के निजामुद्दीन को भी इन्होंने हराया था। किनको हराया था? मालवा के निजामुद्दीन को। इसके अलावा एक क्वेश्चन और भी पूछा गया है कि वो कौन से लोक देवता हैं जिन्होंने राव जोधा को उनका राज्य वापस दिलाने में सहायता की थी? तो वो थे साथियों आपके हड़बू जी। आप कंफ्यूज ना हो, वो कौन थे? हड़बू जी थे जिन्होंने राव जोधा को उनका जो राज्य है वो वापस दिलाने में मदद की थी। और हड़बू जी यहाँ पे रामदेव जी के मोसेरे भाई हैं। ये भी आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, हड़बू जी हैं वो रामदेव जी के क्या है? मोसेरे भाई हैं। मल्लीनाथ जी के बारे में एक और ज़बरदस्त बात है, और वो है साथियों कुंडा पंथ। किसकी स्थापना करते हैं मल्लीनाथ जी? कुंडा पंथ की स्थापना करते हैं। दोस्तों इसके बाद में थोड़ी सी बात हम गोगा जी के बारे में कर लेते हैं। गोगा जी के बारे में कौन नहीं जानता? आप सभी जानते हैं गोगा जी के बारे में। इनका जो जन्म है साथियों वो कहाँ पे होता है? ददरेवा चूरू में होता है। कहाँ पे होता है? ददरेवा चूरू में होता है। और इनकी जो निर्वाण स्थली है साथियों वो कौन सी है? गोगा मेड़ी हनुमानगढ़। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो गोगा राखड़ी होती है, गोगा राखड़ी क्या होती है? जब किसान हल जोतने जाता है खेत में, तो हल और हाली दोनों को जो गोगा राखड़ी है वो बांधी जाती है, तो उसमें कितनी गांठें होती हैं? तो बिल्कुल इजी सा प्रश्न है ये, कितनी गांठें होती हैं उसमें? 9 गांठें होती हैं। सबसे ज़बरदस्त बात जो है दोस्तों गोगा जी के बारे में, वो है गोगा जी के रसावले। क्या है? गोगा जी के रसावले, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख होता है। और ये जो है गोगा जी के रसावले किसके द्वारा लिखे गए? बिट्टू मेहा जी के द्वारा लिखे गए। किसके द्वारा? बिट्टू मेहा जी। इसको भी आप यहाँ से नोट कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों गोगा जी ने मोहम्मद गोरी के साथ भी क्या किया था? युद्ध किया था। गोगा जी ने मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध किया। और उनकी इनकी जो दरगाह रूपी मंदिर है इनका, उसका निर्माण कौन करवाता है साथियों? फिरोज शाह तुगलक। कौन करवाता है साथियों? फिरोज शाह तुगलक। और वही फिरोज शाह तुगलक वही व्यक्ति है जिसके साथ संत पीपा ने युद्ध किया था। किसने किया था? संत पीपा ने। फिरोज शाह तुगलक ने दरगाह रूपी जो मंदिर है गोगा जी का, उसका निर्माण करवाया था। और जो इसके अलावा संत पीपा ने किसके साथ युद्ध किया था साथियों? फिरोज शाह तुगलक, वही फिरोज शाह तुगलक जिसने संत पीपा के साथ युद्ध किया था। दोस्तों बात करें हम पाबू जी की, आगे हम देखें पाबू जी के बारे में, तो पाबू जी का जो जन्म है साथियों वो कहाँ पे होता है? पाबू जी का जन्म होता है कोलुमंड फलोदी जोधपुर में। इनका जन्म लगभग 1239 ईस्वी में होता है। कब होता है साथियों? 1239 ईस्वी में। कहाँ पे होता है? कोलुमंड फलोदी जोधपुर में। पाबू जी जो है वो पंच पीरों में शामिल है। पाबू जी राव सिहा के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? राव सिहा के समकालीन थे, जो कि मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक है। दोस्तों जायल नागौर में पड़ता है, यहाँ का एक शासक हुआ करता था जिंद राव खींची। कहते हैं कि वो इनके जीजा थे, और इन्होंने जो आपके पाबूजी थे इन्होंने जिंद राव खींची के साथ युद्ध किया था। इनकी पत्नी का जो नाम है वो है अमरकोट के राजा सूरजमल सोढ़ा की पुत्री सुप्यार दे। क्या नाम था इनकी पत्नी का? नाम सुप्यार दे था। किसकी पुत्री थी दोस्तों? अमरकोट के राजा सूरजमल सोढ़ा की पुत्री थी। दोस्तों एक ज़बरदस्त बात है कि राजस्थान में ऊँट लाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? पाबूजी को जाता है। और जब कभी ऊँट बीमार होता है तो इनकी फड़ का वाचन किया जाता है। किसकी फड़ का वाचन किया जाता है? पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है, रात्रि के समय किया जाता है। और ये वाचन जो है वो रावण हत्ते वादे यंत्र के साथ किया जाता है। और इसकी फड़ का वाचन कौन करते हैं साथियों? भील और नायक जाति के भोपे करते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो इनको लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है? पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। दोस्तों देवनारायण जी के मंदिर भी देवरे कहलाते हैं, और इनके मंदिर भी क्या कहलाते हैं साथियों? देवरे कहलाते हैं। इसको भी आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। इसके अलावा पाबूजी जो हैं वो भील जनजाति के इष्ट देव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं?
भील जनजाति के इष्ट देव कहलाते हैं। बात करें हम पाबू प्रकाश की, तो पाबू प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई? आसिया मोड़ जी के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई? आसिया मोड़ जी के द्वारा लिखी गई, जो कि डिंगल भाषा में लिखी गई है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, संत मावजी का संबंध है, संत मावजी का संबंध कहाँ से है? ऑप्शन आपके सामने है, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जोधपुर, बीकानेर। दोस्तों, संत मावजी साबला गांव में इनका क्या होता है, जन्म होता है। और ये साबला गांव कहाँ पे है? डूंगरपुर में। कहाँ पे है साथियों? डूंगरपुर में। कहते हैं कि साबला गांव में ही थोड़े दिन बाद ये अपने पिता के घर को छोड़कर माही, जाखम, सोम नदियों के संगम यानी कि बेणेश्वर नामक स्थान पर तपस्या करने आ गए थे। और ये भगवान कृष्ण के निष्कलंकी अवतार माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं साथियों? भगवान कृष्ण के निष्कलंकी अवतार माने जाते हैं। दोस्तों, इन्होंने सहज भक्ति का मार्ग अपनाया। किसका मार्ग अपनाया? सहज भक्ति का मार्ग अपनाया, यानी निर्गुण और सगुण दोनों का मिश्रण होता है। सहज भक्ति का मार्ग अपनाया था किसने? संत मावजी ने। कहते हैं कि इन्होंने 5 ग्रंथ लिखे थे जिन्हें चोपड़ा कहा जाता है। और ये भीलों में आध्यात्मिक क्रांति लाने का श्रेय जो है वो भी किसको जाता है? संत मावजी को जाता है। इसको भी आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, भीलों में आध्यात्मिक क्रांति लाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? संत मावजी को जाता है। इनकी जो वाणी है साथियों वो क्या कहलाती है? चोपड़ा कहलाती है। क्या कहलाती है? चोपड़ा कहलाती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पे, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न आपको यहाँ पे पूछा गया है, शानदार प्रश्न आपको यहाँ पे पूछा गया है। शंकर देव समिति का गठन धौलपुर एवं भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया कि वो राजस्थान या अथवा उत्तर प्रदेश में मिलना चाहते हैं, तो इस समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे, ये आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो इस समिति में साथियों, शंकर देवराय समिति जिसमें मत्स्य संघ का विलय किया था, तो इस समिति में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? इसमें 3 सदस्य थे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बहुत ही शानदार प्रश्न आपको यहाँ पे पूछा गया है। मारवाड़ के प्रसिद्ध घुड़ला उत्सव या इसको घुड़ला नृत्य भी कहते हैं, इसकी शुरुआत जोधपुर के किस शासक के काल में हुई? तो ऑप्शन आपके सामने है साथियों, मालदेव, राव जोधा, राव रणमल, राव सातलदेव। यहाँ पे हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो क्या होगा साथियों? राव सातलदेव। राव सातलदेव लगभग 1545 ईस्वी के समय की बातें हैं, जब मारवाड़ में राव सातलदेव के समय घुड़ला नृत्य या फिर घुड़ला उत्सव जो है वो प्रारंभ किया जाता है। वैसे देखें तो राव सातलदेव जो है वो राव जोधा के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? राव जोधा के पुत्र थे, जिन्होंने जोधपुर को बसाया था या जोधपुर की स्थापना की थी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, तेजाजी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है वो सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे हम बात करें पनेर की, तो पनेर यहाँ पे उनका ननिहाल नहीं था। पनेर जो था वो क्या था? पेमल दे, जो इनकी पत्नी थी उनका पीहर था, यानी कि तेजाजी का क्या था? ससुराल था। क्या था? तेजाजी का ससुराल था। इनका जो जन्म स्थान है वो कहाँ पे है साथियों? खड़नाल नागौर में। तेजाजी का जन्म कहाँ पे होता है? खड़नाल नागौर में होता है। ये नागवंशीय जाट थे और इनके पिता का जो नाम था वो क्या था? ताहड़ जी। और इनकी माता का जो नाम था वो क्या था? राम कोवरी। इसके अलावा तेजाजी जो है उन्होंने लाछा गुजरी की गायों को बचाने के लिए अपने प्राणों का न्योछावर किया था। किसको बचाने के लिए? लाछा गुजरी की गायों को बचाने के लिए। किसको बचाने के लिए साथियों? लाछा गुजरी की गायों को बचाने के लिए। हाँ, 2 गांव आपको यहां पे याद रखने हैं। एक है सुरसुरा, एक तो है साथियों सुरसुरा, जो यहां पे इनका क्या है? समाधि स्थल है। कहते हैं कि जो सुरसुरा है उस गांव में इनको सांप ने डसा था। और इनका ये जो शहीद हुए थे वो कहां पे हुए थे? सेंदरिया गांव में। कहां पे शहीद हुए थे? सेंदरिया गांव में। लेकिन इनका जो समाधि स्थल है वो कहाँ पे बनाया गया है? सुरसुरा अजमेर में बनाया गया है। इसके अलावा बात करें हम पर्वतसर की, तो पर्वतसर नागौर में इनका क्या भरता है? मेला भरता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपको यहाँ पे पूछा गया है। राजस्थान में छावनी बोर्ड की जो स्थापना है वो कहाँ पे की गई? तो यहाँ पे आपको बता दें कि राजस्थान में वर्तमान में केवल एक ही छावनी बोर्ड है और वो कहाँ पे है? नसीराबाद। कहाँ पे है साथियों? नसीराबाद अजमेर में। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने,
आपकी स्क्रीन पर निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की नदी से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे हम बात करें कातली, तो कातली कहाँ से निकलती है? खंडेला की पहाड़ियों से। कहाँ से निकलती है? खंडेला की पहाड़ियों से। फिर सीकर, झुंझुनू और होती हुई आपकी चूरू की सीमा में क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। और इसी के किनारे है आपकी गणेश्वर सभ्यता, जो कहाँ पे है? सीकर में स्थित है गणेश्वर सभ्यता, जिसको ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें काकनी नदी की, तो काकनी नदी जो है वो जैसलमेर के छोटे से गांव कोटरा गांव से क्या होती है? निकलती है। और ये जब ज़्यादा बरसात होती है तो ये आगे जा कर के भुज झील में क्या होती है? गिरती है। कौन सी नदी साथियों? काकनी नदी। इसके अलावा यदि हम बात करें मेंथा की या मेंढा की, तो मेंढा नदी जो है वो किस झील में गिरती है? सांबर झील में गिरती है। और सबसे ज़्यादा गाद लाने वाली जो नदी है सांबर झील में, वो कौन सी है साथियों? मेंढा नदी। इसके अलावा यहाँ पे हम बात करें डाई की, तो डाई जो है वो किसकी सहायक नदी है? बनास की सहायक नदी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डाई यहाँ पे आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है। चलिए साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया आपको, ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, चौहान वंश के संस्थापक सहसमल की राजधानी जो थी वो क्या थी? चौहान वंश के शासक सहसमल की राजधानी क्या थी? तो यहाँ पे देखिए हम बात करें सिरोही के चौहान वंश, तो सिरोही के चौहान वंश का संस्थापक जो है वो लुमा, कौन थे? लुमा थे। कौन थे साथियों? लुमा थे। लेकिन इसका जो वास्तविक संस्थापक है वो किसको माना जाता है? सहसमल को माना जाता है। ये जो लुमा थे वो क्या थे? चौहान वंश के आदि पुरुष कहलाते हैं, इनको चौहान वंश का आदि पुरुष कहा गया है। तो सहसमल की जो राजधानी थी साथियों वो क्या थी? सिरोही थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिरोही। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, मरु विकास कार्यक्रम में 1 अप्रैल 1999 से केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय सहयोग का जो अनुपात है वो कितना है, कितना था, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने 30-70, 50-50, 60-40 और 75:25। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 75:25। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आपको यहाँ पे पूछा गया है, राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रैक्ट जो है वो कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है हनुमानगढ़, गंगानगर, झुंझुनू, जयपुर। दूसरा आपको दिया है जोधपुर, नागौर, सीकर, चूरू। तीसरा आपको दिया है पाली, जालोर, बाड़मेर और जयपुर। चौथा आपके सामने है बीकानेर, जैसलमेर, फलौदी और पोखरण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा साथियों? बीकानेर, जैसलमेर, फलौदी और पोखरण। तो आज के लिए साथियों इतना ही, मिलते हैं कल कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।